भाइयों और बहनों, कांग्रेस और उससे जुड़े लोग हमारे वीर जवानों और उनके परिवारों के लिए कैसी सोच रखते हैं, ये भी भाइयों बहनों, हिमाचल ये वीर माताओं की भूमि है, ये वीरों की भूमि है। यहां की माताएं वीर संतानों को जन्म देती हैं, जो देश के लिए जीते हैं, देश के लिए मरते हैं। शायद ही कोई ऐसा परिवार होगा जिसका बेटा सीमा पर मातृभूमि की रक्षा न करता हो, देश के लिए खड़ा न हो। लेकिन साथियों, मैं नहीं जानता हूं हिमाचल के मीडिया ने बात छापी है कभी नहीं छापी है, मैं ये भी नहीं जानता हूं कि हिमाचल के टीवी वीडियो वालों ने भी कभी इसको दिखाया कि नहीं दिखाया, लेकिन ये बहुत गंभीर बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। साथियों, कर्नाटका में भी चुनाव हुआ, एक आध साल हुआ, कर्नाटका में कांग्रेस ने जिसे मुख्यमंत्री बनाया है, और ये ऐसे मुख्यमंत्री है कर्नाटका के कि उनके पिताजी कभी भारत के प्रधानमंत्री थे, भले टेम्पररी लेकिन थे, उनके ये मुख्यमंत्री ने क्या कहा, उन्होंने कुछ दिन पहले कहा कि सेना में वही जाता है जो भूखा मरता है, जिसके पास, सुनिए अभी तो सुनिए ये कैसे लोग हैं, और जिसको कांग्रेस के मुख्यमंत्री बनाया है, और ये शब्द मुख्यमंत्री के हैं, उन्होंने कहा जिसके पास पेट भरने के लिए कुछ नहीं होता वो सेना में जाता है। आप मुझे बताइए, मैं आपके गुस्से का इंतजार करता हूं दोस्तों। आप मुझे बताइए, क्या हिमाचल की बहादुर मां अपने बेटे को इसलिए फौज में भेजती है कि वो उसे दो टंकी रोटी नहीं खिला पाती? ये आपका अपमान है कि नहीं है? हर माता का अपमान है कि नहीं है? यहां के वीरों का अपमान है कि नहीं है? क्या हिमाचल के वीर जवान इसलिए फौज में जाते हैं क्योंकि उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होता? सेना में जाने वालों का ऐसा अपमान करने वालों को कांग्रेस सम्मान देती है, उन्हें मुख्यमंत्री बनाती है। और आप ये भी कभी मत भूलिएगा कि यहां की कांग्रेस और उसके महामिलावटी साथी हैं जो देश के सेना अध्यक्ष को पब्लिकली गली का गुंडा कहते हैं, जो वायुसेना के अध्यक्ष को झूठा कहते हैं।